हाय मंचकिंस, गुड मॉर्निंग। आई एम योर फ्रेंड मोनिका मेहता और आज सैटरडे बोनांजा में सुनेंगे एक प्यारी सी स्टोरी। बात है एक छोटा सा बच्चा है गुड्डू। गुड्डू बहुत अच्छा बच्चा है मगर ये नहीं खाना मैंने, वो नहीं खाना मैंने, साग नहीं खानी मैंने, पालक नहीं खानी, भिंडी नहीं खाऊंगा, भरता छी 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 छी, बस वो ऐसे ही करता रहता है। उसको क्या खाना पसंद है? आलू वाली परौंठी, गोभी वाली परौंठी, मुझे पनीर दे दो, मुझे ये दे दो, वो दे दो, मगर सब्जियां वो बिल्कुल भी नहीं खाता था। तो हर चीज़ को छी 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 कहना, छी 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 कहना, तो उसके मम्मा पापा तो बहुत तंग आ गए। उन्होंने एक बार उसकी दादी को बोला कि मम्मा ये तो हर चीज़ को खाने वाले को छी छी करता है, अगर ये वेजिटेबल्स फ्रूट्स नहीं खाएगा तो स्ट्रांग कैसे बनेगा। तो उसकी दादी माँ कहते कोई बात नहीं, आई विल थिंक अबाउट इट। एक दिन वो शाम को कहते हैं गुड्डू चलो आ जाओ हम मंदिर चलते हैं। वो उसको मंदिर लेके जाते हैं। मंदिर के बाहर छोटे छोटे बच्चे बैठे होते हैं जो कहते हैं गुड्डू हमें प्रसाद दे दो, गुड्डू हमें प्रसाद दे दो। तो गुड्डू कहते हैं आपने ये लिफाफे भरे हुए हैं इतने प्रसाद के, इतने प्रसाद का क्या करोगे? तो वो कहते गुड्डू हमारे पास रात को खाने को कुछ भी नहीं होता, तो यही प्रसाद हमारा डिनर है, हम ये खाएंगे और सो जाएंगे। तो गुड्डू बहुत उदास हो जाता है। उसके बाद उसकी दादी देख लेती हैं कि गुड्डू उदास हो गया। उसके बाद वो जा रहे होते हैं तो गुरुद्वारे के बाहर जाते हैं। दादी कहती चलो मत्था टेको, तो वो जय करता है तो देखते हैं वहाँ पे भी कुछ बच्चे बैठे हैं। वो कहते हैं दादी इन बच्चों के पास भी लिफाफे हैं। तो दादी कहती पूछो इनसे इन्होंने इतने प्रसाद का क्या करना है। तो गुड्डू जाता है कहता है जी आपने ये इतना सारा प्रसाद क्या करना है? तो कहते गुड्डू हमारे पास खाने को कुछ भी नहीं है, ना सब्जी है, ना दाल है, ना रोटी है, तो हम क्या खाएंगे, हमें भूख लगती है, इसलिए जो कुछ मिलता है हम खा लेते हैं, कोई प्रसाद देता है, कोई लड्डू देता है तो हम वो खा लेते हैं। गुड्डू बहुत उदास होता है। फिर वो घर आता है, उस रात वो ना उसकी मम्मा ने ना दाल बनाई होती है और वो चुपचाप खा लेता है। तो मम्मा हैरान होते हैं, कहते गुड्डू आज तो तुमने दाल खा ली, तुम तो हमेशा कहते हो मैंने नहीं खाना मैंने नहीं खाना। फिर वो सारी बात बताता है कि हम मंदिर गए तो क्या हुआ, फिर गुरुद्वारे गए तो क्या हुआ। उसकी दादी माँ उसको बाद में एक पार्क में लेके गए और समझाया कि गुड्डू हम बहुत लकी हैं कि हमारे पास खाने के लिए फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स हैं, उन लोगों के बारे में सोचो जिनके पास कुछ भी नहीं होता, इसलिए जब भी खाना मिले दोनों हाथ जोड़ के थैंक यू गॉड हम क्यों बोलते हैं, इसीलिए कि शुक्रिया भगवान जी हमें भूखे पेट नहीं सोना पड़ेगा, आपने हमें खाना दिया, और जब भी खाना मिले शुक्रिया अदा करो क्योंकि बहुत सारी दुनिया ऐसी है, करोड़ों लोग ऐसे हैं जो रात को भूखे सोते हैं, पानी पीकर सो जाते हैं। आपको पता है वेस्टर्न कंट्रीज जो बहुत ट्राइबल एरिया है वहाँ पे मिट्टी की रोटी बनाते हैं, चाकनी मिट्टी की, तो उनसे तो हम बेटर है ना। इसलिए बच्चों मोनिका आपको यही कहना चाहेगी जब भी आपको कुछ खाने को मिलता है थैंक यू गॉड बोल के ज़रूर खाया करो, छीछी मत किया करो क्योंकि वो चीज़ बाकी कई बच्चे खाने को तरसते हैं। इसलिए बी वेरी थैंकफुल टू गॉड कि आपको इतना अच्छा अच्छा खाने को मिलता है, एंड ऑलवेज से थैंक यू टू योर मामा जो किचन में इतनी गर्मी में खड़े होकर आपके लिए इतना टेस्टी टेस्टी खाना बनाते हैं, है ना। तो चलिए अब आप अपना ब्रेकफास्ट एंजॉय कीजिए, हम फिर मिलेंगे, टेक केयर, हैप्पी संडे।